ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फोर लेन निर्माण में जुटी कंपनी की लापरवाही का खामियाजा सोलन की सब्जी मंडी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि करीबन एक वर्ष पहले जब फोर लेन निर्माण के लिए सब्जी मंडी के बाहर खुदाई की गई तो उनके पानी पीने की पाइप पूरी तरह से टूट गई। टमाटर और सेब का सीजन चरम सीमा पर था, इसके लिए आनन फानन में उच्च अधिकारियों ने पानी खरीदने के लिए भी निर्देश दिए। फोरलेन निर्माण में जुटी कंपनी की लापरवाही का खामियाजा सोलन की सब्जी मंडी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि करीबन एक वर्ष पहले जब फोरलेन निर्माण के लिए सब्जी मंडी के बाहर खुदाई की गई तो उनके पीने की पाइप पूरी तरह से टूट गई है और यहां आने वाले किसानों और आड़तियों के हलक सूखने लग गए हैं। टमाटर और सेब सीजन में चरम सीमा पर था, इसलिए आनन फानन में उच्च अधिकारियों ने पानी खरीदने के लिए निर्देश दिए। एपीएमसी अधिकारियों ने पानी खरीदना आरंभ कर दिया। वहीं दूसरी ओर फोर लेन कंपनी और अधिकारियों को इस बारे में अवगत भी करवाया, जिस पर उन्हें पाइप ठीक करवाने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन उसके बाद सब भूल गए। लेकिन बीते इस वर्ष में एपीएमसी पानी खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च कर चुकी है और स्थिति जैसे की तैसे ही बनी हुई है और पानी खरीदने का सिलसिला जारी है। जब इस बारे में एपीएमसी के सचिव डॉक्टर आर के शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे पिछले काफी समय से जिला प्रशासन और उच्च राज्य मार्ग परियोजना निदेशक को इस स्थिति के बारे में अवगत करवा चुके हैं। उन्होंने बताया कि वे अभी तक पानी के लिए 7 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि फोरलेन अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने मजबूरन इसे ठीक करने के लिए नगर परिषद को आग्रह किया गया है। उन्होंने उसको ठीक करने के लिए अब 2,57,000 रुपए का खर्च और बताया है। इसके लिए वे चाहते हैं कि फोरलेन निर्माण में जुटी कंपनी पानी के खर्चे का पैसा और पाइप की मरम्मत का खर्च सारा वहन करे। फोरलेन निर्माण में जुटी कंपनी कैसे मनमानी कर रही है उसका नमूना आप खुद देख रहे हैं। जिला प्रशासन के आदेशों के निर्देशों के बाद भी न फोरलेन निर्माण में जुटी कंपनी और न ही उच्च राज्य मार्ग परियोजना निदेशक इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। अगर ये हाल प्रदेश के सरकारी तंत्र के साथ हो रहा होता तो आम आदमी की क्या सुनवाई हो रही होगी उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। हमने देखा जब नवंबर 2018 में फोर लाइन का काम चला तो उन्होंने हमारी पाइप की लाइन को तोड़ दिया जेसीबी से, जिसकी शिकायत हमने माननीय डीसी साहब को भी की और परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और शिमला को भी हमने इसकी कंप्लेंट की और उन्होंने टेलीफोनिकली आश्वासन दिया कि हम यथाशीघ्र इसको ठीक कर देंगे, लेकिन एक वर्ष बीतने तक भी उन्होंने इस पे कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई। लेकिन सीजन को देखते हुए हायर अथॉरिटी के आदेशों के अनुसार हमने लगभग 7 लाख का पानी अब तक हम खरीद चुके हैं, जो कि सरकार को सीधा घाटा हुआ है, एपीएमसी को घाटा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि फोर लाइन वाले ही इस खर्चे को वहन करें और इसके अतिरिक्त जब इन्होंने कुछ नहीं किया तो हमने स्थिति को देखते हुए लगभग 2,57,000 रुपए का एस्टिमेट अप्रूव करवाया, जो कि बोर्ड ने अप्रूव किया और उसको हमने एमसी को सबमिट कर दिया है। अप्रूवल हो गई है, एमसी कंसर्न विभाग से हम इसको रिपेयर करवाएगी। हाँ, माननीय डीसी साहब को भी हमने लिखित रूप से अवगत करवाया है और प्रार्थना की है, ताकि यहाँ पानी मुख्य चीज है किसी भी इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए और खासकर जहाँ इतने सारे किसान आते हैं। लगभग 3.5 अरब का इस बार व्यापार हुआ है एप्पल का ही, जबकि बाकी सब्जियों का अतिरिक्त है। तो इसमें हजारों लोग हमारे पास आए हैं, किसान बागवान, जिनको पानी की किल्लत से बचाने के लिए हमें ये खरीदना पड़ा पानी।